आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था खेला होबे, ये नारा दिया था ममता दीदी ने। लेकिन ममता ने खेला कर भी दिया, जीत की लगातार हैट्रिक बना दी, लेकिन खुद एक खेला उनके साथ हो गया। अपने ही पुरानी सहयोगी शुभेंदु अधिकारी से ममता खुद अपना चुनाव हार गई। अब भवानीपुर से उपचुनाव लड़ रही है जहां पर 30 सितंबर को वोट पड़ने वाले हैं। माहौल अब गर्मा चुका है, उससे पहले बहुत सी चोट हो रही है। आप कह सकते हैं कि टीएमसी और बीजेपी के बीच खून खराबे की नौबत एक बार फिर से दिखाई दे रही है। देखिए भवानीपुर से मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल की ये खास रिपोर्ट। हवा में लहराती ये पिस्तौल बता रही है कि पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट के लिए चुनाव कितना तनाव भरा है। खेला होबे वाले बंगाल में ये लहराती हुई पिस्टल सवाल कर रही है कि क्या अब हिंसा होबे, खून खराबा होबे। जनता के पास हम अपील कर रहे हैं कि हिंसा, अत्याचार और तानाशाही जो चल रही है उसका खिलाफ आप वोट करिए। हालत बहुत नाजुक है, सिचुएशन डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने का माहौल भी नहीं है। भवानीपुर के जदू बाबू बाजार में बीजेपी सांसद दिलीप घोष अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार करने पहुंचे। उसी वक्त टीएमसी कार्यकर्ता विरोध करने लगे। विरोध जल्द ही झड़प और फिर मारपीट में बदल गया। जब हालात बिगड़ने लगे और दिलीप घोष प्रदर्शनकारियों से घिर गए तो उनके सुरक्षा अधिकारी को हवा में पिस्टल लहरानी पड़ी। बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो तलखी है वो कम होती तो नजर नहीं आ रही, लेकिन इस उपचुनाव में भी साफ दिखाई दे रही है। दिलीप घोष जो बीजेपी के सांसद हैं और पूर्व राज्य के अध्यक्ष भी हैं, पैम्फलेट्स बांट रहे थे, तो उसी समय तृणमूल कांग्रेस के भी कार्यकर्ता पहुंचे पैम्फलेट्स बांटने। उसके बाद धक्का मुक्की हुई, स्लोगनिंग हुई, और ये कहूं कि दोनों पार्टी में आपस में जमकर भिड़ंत इस समय सड़क पर भी है और बैलेट के जरिए भी है, तो गलत नहीं होगा। ममता के लिए ये चुनाव उनकी राजनीतिक जिंदगी के लिए इतना जरूरी है कि जीती तो 5 साल का ताज और हार गई तो सारी सत्ता बेकार। इसीलिए ममता हर हाल में जीतना चाहती हैं और बीजेपी हर हाल में भवानीपुर को नंदीग्राम बनाना चाहती है। जहां पिछले विधानसभा चुनाव में ममता अपने ही पुराने लेफ्टिनेंट शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले ममता का खेल भवानीपुर में बिगाड़ने के लिए आखिरी दिन बीजेपी ने 80 का दांव चल दिया। आज करीब 80 बीजेपी नेता चुनाव प्रचार के लिए भवानीपुर में मौजूद थे और ममता के खिलाफ हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे। दिलीप घोष का कार्यक्रम भी इसी का हिस्सा था जिसमें तृणमूल कार्यकर्ता पहुंच गए। आज 8-8 वार्ड में 10-10 जगह एक साथ प्रचार, 80 कार्यकर्ता 80 जगह में प्रचार में उतरे हैं, जैसा कि पब्लिक मीटिंग भी हो रही है और हम डोर टू डोर लोगों को लिफलेट देके और भाजपा को जिताने के लिए अपील कर रहे हैं। भवानीपुर उपचुनाव में टीएमसी की उम्मीदवार खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ममता घर घर घूमी। हम खेलेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे और बीजेपी को हम देश से हटाएंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन ये चुनाव ममता के लड़ने से भी ज्यादा बड़ा इसलिए हो गया कि ममता को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ये चुनाव जीतना जरूरी है। भवानीपुर से वो पहले 2 बार जीत चुकी हैं। इसीलिए कृषि मंत्री सोवनदेव चट्टोपाध्याय से सीट खाली कराकर ममता भवानीपुर से उतरी हैं। बीजेपी ने यहां से वकील प्रियंका टबरेवाल को ममता के सामने उतारा है। 30 सितंबर को वोट पड़ेंगे और 3 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और तभी साफ होगा कि जनता ने किसका खेला कर दिया। भवानीपुर से मनोज्ञा लोहिवाल की रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।